सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश है, मैं मारुला क्लासेस की साइड से हूँ। ये हमारी सीनियर है निष्ठा वर्मा, इस बार निमसेट 2021 इन्होंने दिया था, तो हम लोगों ने बहुत मुश्किल से इन लोगों को पकड़ा और इन लोगों से एक इंटरव्यू प्लान करने की कोशिश करी। एक छोटा सा इंटरव्यू करेंगे। मैं मारुला क्लास में डिजाइनर और एडिटिंग का काम करता हूँ और BCA थर्ड ईयर का स्टूडेंट भी हूँ, तो जैसे स्टूडेंट्स हैं हम लोगों के बाकी सारे, मैं भी उस भीड़ में से ही हूँ आपके लिए। सबसे पहले आप अपना इंट्रो दे दो, आपकी रैंक कितनी आई थी, ये सारी चीजें। Hi everyone, I am Nistha Verma. I am from Motihari, Bihar. I completed BSc Mathematics Honors last year from Motihari. My college was Mahatma Gandhi Central University. And this year I secured All India Rank 76. And this was my first attempt. This was your first attempt and rank was 70? Six. Last year I had no idea about NIMCET. I got selected in TCS, but कोरोना के वजह से ज्वाइनिंग लेटर मुझे मिला नहीं, फिर बाद में मैंने इसे प्रिपरेशन करना शुरू किया। Okay, very very nice. आपने एक बार मुझे अपना बैकग्राउंड बता दो कि आपका बैकग्राउंड क्या था। आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से थी 11 12th में या आप नहीं थे, आपने बैचलर्स में देखी चीजें, ये सारी चीजें। नहीं, मैंने कंप्यूटर 7th 8th के बाद कभी नहीं पढ़ा था, 11th 12th में भी नहीं पढ़ा था। ग्रेजुएशन के एक सेमेस्टर में मैंने सी पढ़ा था, सी लैंग्वेज बस मैंने पढ़ा था एक सेमेस्टर, क्योंकि मैं BSc मैथमेटिक्स से हूँ ना, तो मैंने बस एक सेमेस्टर पढ़ा था। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कोडिंग वगैरह, प्रोग्रामिंग वगैरह। वैसे मैं काफी बेसिक जानती हूँ इस बारे में, लेकिन फिर अच्छा लगा तो इसलिए मैंने बाद में डिसाइड किया एमसीए करने का। तो हाउ वाज द प्रिपरेशन फॉर यू, मतलब बीएससी मैथमेटिक्स से उठ के आप एमसीए की प्रिपरेशन करना, एक तो पहले आपने स्विच कैसे सोचा, एमसीए के बारे में ही कैसे सोचा, और हाउ वाज दैट प्रिपरेशन फॉर यू? आपको डिफिकल्ट लगी, आपको ये लगा नहीं बीसीए वालों के लिए मेरे से ज्यादा अपर हैंड होगा या बाकी बीएससी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए ज्यादा अपर हैंड होगा, आपको क्या लगता है? पहले मेरे दिमाग में आता था एमसीए करना है, एमसीए और एमबीए में एक्चुअली मैं कंफ्यूज थी कॉलेज टाइम में कि एमसीए करना है या एमबीए करना है, पर जब मैंने सी पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, मुझे इंटरेस्ट आया उसमें एक्चुअली। पर बाद में जब मैं टीसीएस गई तो फिर मैंने सोचा कि एक दो ईयर कर लूंगी जॉब, उसके बाद ही फिर से हायर स्टडीज का सोचूंगी। फिर जब ज्वाइनिंग लेटर में थोड़ा लेट हो रहा था, फिर मैंने देखा निमसेट के बारे में, गूगल पे सर्च किया तो मैंने देखा सिलेबस था मैथ 11th 12th का, 11th 12th में मैथ ही मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैं मुझे लगा कर सकती हूँ, तो फिर मैंने प्रिपरेशन शुरू किया। ये जो आपका थॉट था कि आपको अब निमसेट की तैयारी करनी है, ये थॉट आज से कितने टाइम पहले का थॉट है, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ आपको टाइम कितना लगा यहाँ तक के लिए? लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने सोचा, फेब से इस ईयर फेब से सीरियसली प्रिपरेशन शुरू किया मैंने इस ईयर। आपने अभी निमसेट के अलावा भी किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या दिया है, और अगर वो दिया है तो वो कौन कौन से एग्जाम्स हैं? जामिया का एग्जाम मैंने दिया, और वैसे फॉर्म तो मैंने DU एंड JNU के फिल किए हुए हैं, पर इसमें ही सही रैंक है तो फिर मैं नहीं दूंगी। हाँ, वेरी नाइस। आपने फेब में सीरियसली पढ़ाई करना स्टार्ट किया जैसे आपने बताया, एंड आप लोगों का एग्जाम अगस्त में हुआ, और कोई वो भी नहीं थी क्योंकि डेट्स बढ़ी जा रही थी। आपको हर दिन लग रहा होगा कि अभी डेट आ जाएगी और एग्जाम आने वाला है, डेट आ जाएगी और एग्जाम आने वाला है, तो वो चीज आपने कैसे, हाउ यू मैनेज टू स्टडी? हाँ, तो मैंने तो काफी लेट किया था और मैंने देखा कि काफी लोग काफी पहले से कर रहे थे, तो मेरे मन में ये डर भी था कि पता नहीं मैं निकाल पाऊंगी, क्या रैंक आएगा, बहुत सारा डर था। और मैं डिमोटिवेट भी हो जाती थी इन सब वजह से, क्योंकि मेरा रैंक ऊपर नीचे होते रहता था टेस्ट वगैरह में। पर जब एग्जाम का डेट एक्सटेंड हुआ तो मुझे लगा कि मुझे मौका मिला है तो मैं ये टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, उसमें मैंने बहुत अच्छे से जितना भी पढ़ा था वो मैंने काफी अच्छे से रिवाइज किया, और टेस्ट तो मैं रेगुलर देती थी, तो टेस्ट और रिवीजन की वजह से ही मेरा रैंक अच्छा आ पाया।
आप मारुला क्लासेस, आप मारुला क्लासेस से इंट्रोड्यूस कब हुए, आपको पता कब चला कि मारुला क्लासेस है, और आपने फरवरी से, जैसे आपने बताया, क्या फरवरी में इंट्रोड्यूस हो चुके थे या आपको थोड़ा टाइम और लगा? नहीं मैं हो चुकी थी, मैंने यूट्यूब पे देखा था मारुला क्लासेस के बारे में, तो वहां पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की प्लेलिस्ट पड़ी हुई थी, तो वो मैंने देखा, मुझे इतना अच्छा पढ़ाने का तरीका, बेसिक से लेकर हाई तक, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक सर ने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से कराया हुआ था, तो मैंने वो, बाद में मैंने आपका सब्सक्रिप्शन लिया, तो फेब में मैंने ले लिया था। फेब में आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया था, और फेब से अगस्त तक आपने सब्सक्रिप्शन से सर ने जितनी चीजें बताई आपने उसको, लास्ट मंथ तो मैंने मतलब क्लास थोड़े कम किए थे, सेल्फ स्टडी ज्यादा की थी, पर टेस्ट वगैरह तो मतलब देती थी सारे। आप आई थिंक ये वीडियो देखते समय बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा होगा कि आप बीएससी मैथ्स के थे, तो ये रहेगा कि आपको एक मैथ में अपर हैंड है, और निमसेट में जिसको मैथ में अपर हैंड होता है उसको टोटल एग्जाम में भी एक अच्छा हैंड रहता है उसके पास। इफ अ पर्सन लाइक मी हु इज एवरेज इन मैथ्स, मतलब वो ठीक ठीक कर लेता है, अकॉर्डिंग टू यू मेरे को, मेरा भी नेक्स्ट ईयर पेपर है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे जैसे बच्चों को क्या करना चाहिए मैथ्स के लिए? यस यस, सी मैथ्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो आप जितने भी क्वेश्चन कर सकते हो उतने करो, मैथ्स में आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आप क्वेश्चन कर पाओगे, तो आप बुक सॉल्व करो या फिर टेस्ट दो, किसी भी तरह से मतलब आप बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करो, शुरू शुरू में नहीं बनेंगे क्वेश्चन, लेकिन एक बार आप कोई भी टॉपिक 20-30 क्वेश्चन करने लगो तो वो अपने आप ही बनने लगेंगे। मैथ्स अगर आप बनाना हो तो आपको खुद ही लगेगा बनाने में, और बनने लगेंगे, शुरू में नहीं बनेंगे क्योंकि कोई कोई टॉपिक मेरे में नहीं बनते थे, मैंने पहले भी बताया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन नहीं बनते थे, लेकिन सर ने इतना सही से पढ़ाया था कि मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हर तरह के क्वेश्चन कर लेती थी, तो बस प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चन कर सकते उतना करो, और हाँ कीप रिवाइजिंग, ये नहीं कि कर लिए तो हो गया, ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया, रिवाइज करते रहो मैथ्स के पुराने क्वेश्चंस को जो भी आपने किए हुए हैं। मैं क्या करती थी कि जो क्वेश्चंस मेरे नहीं बनते थे उन्हें मैं रेड पेन से टिक करके रखती थी, और जो क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते थे वो मैं ब्लैक पेन से टिक करके रखती थी, और रिविजन के टाइम मैं वो वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देती थी, और इस तरह से मैं अपना रिविजन किया, जो बन चुके होते उनको रिवाइज करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, जो आपके गलत हो रहे हैं या जहाँ जो क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे हैं उन्हें रिवाइज करना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और प्रैक्टिस करते रहो जितना कर सको मैथ्स में प्रैक्टिस उतना अच्छा, आपको एक टाइम पे खुद ही समझ में आने लगा हाँ ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया, मुझे इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने लगे हैं, टेस्ट के थ्रू आप एनालाइज कर लोगे खुद ही कि हाँ कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, और उस टॉपिक के आप ढेर सारे क्वेश्चन करो, बस यही है मैथ्स के लिए। तो अकॉर्डिंग टू यू एक एवरेज स्टूडेंट के लिए आप बहुत अच्छी रैंक अचीव कर पाना इज इजी या इज यू नो अगर वो कंसिस्टेंट रहेगा तो आसान है? आसान है अगर आप कंसिस्टेंट हो, टेस्ट देते हो रेगुलर बेसिस पे, रिवाइज करते हो, ये सारी चीजें कर तो आसान है, क्योंकि 11th वाला मैथ तो 11th-12th के बाद तो नहीं पढ़ा था, 3 साल तो अलग ही मैथ्स था, वो 11th-12th वाला नहीं था, तो मेरा छुट्टा हुआ था तो मैंने फिर शुरू किया था, तो कोई भी एवरेज स्टूडेंट अगर करे, मैं भी मतलब तेज तो हूँ नहीं, एवरेज ही कह सकता, तो आप करोगे तो हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी भी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है, पर आप करोगे तो हो जाएगा, यू कैन डू इट। कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी जो सिर्फ आपको लगता है कि ये मेरी स्ट्रेटेजी रही इस रैंक तक आने के लिए, और ये एक स्ट्रैटेजी है जो लोग फॉलो करेंगे तो उनको हेल्प होगा, जो एक निशिता वर्मा की जो स्ट्रैटेजी है जो वो बताना चाहें? मैंने शुरू में मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे कौन सा बुक करना चाहिए, आरडी शर्मा करूं ना करूं, पर मेरे पास ज्यादा टाइम था नहीं, तो मैंने सबसे पहले
बुक को लेके जो भी कंफ्यूजन था अपने दिमाग से निकाला, क्योंकि मैं आर्डी शर्मा इतनी जल्दी कर नहीं सकती थी, ना ही मैंने अरिहंत का कंप्लीट पैकेज बुक किया ना ही आर्डी शर्मा करी। मैंने सबसे पहले लेक्चर देखने शुरू किए सारे टॉपिक जितने भी थे सिलेबस में, उसके बाद मैंने सारे टॉपिक के लेक्चर देखे सही से। एक बार वो देख लेते हो फिर आप हर टॉपिक से क्वेश्चंस करके देखो, टॉपिक वाइज देखो कि आप कहाँ अटक रहे हो, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से टॉपिक में अटकते हो। तो उस टॉपिक के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो, या तो आप बुक से करो या सर असाइनमेंट देते थे तो मैं उससे करती थी। तो बस अपना टॉपिक स्ट्रांग करते जाओ, जितना भी सिलेबस है कवर करते जाओ। मैथ्स का जैसे मैंने बताया, रीजनिंग को लेके सेम चीज करो, कंप्यूटर को लेके भी करो, और इंग्लिश का तो कुछ कह नहीं सकते, इंग्लिश के लिए तो ऐसा कुछ मैंने किया नहीं था। तो बस सिलेबस कंप्लीट करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, टेस्ट देते जाओ। मैंने फिफ्थ से ही टेस्ट देना शुरू कर दिया था, जबकि मेरा जस्ट स्टार्ट हुआ था। तो टेस्ट ने बहुत ज्यादा हेल्प किया है एक्चुअली। सिर्फ टेस्ट देने से नहीं कुछ होता है, टेस्ट का एनालिसिस करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एनालिसिस करो सही तरीके से कि कहाँ आप रॉन्ग हो कर रहे हो क्वेश्चन, या कौन से तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, ये करो। और आपने स्ट्रेटजी पूछी, तो पढ़ाई की तो यही होती है कि पढ़ो, क्वेश्चन करो, रिवीजन करो। टेस्ट की स्ट्रेटजी मैं बताना चाहूंगी कि क्वेश्चन करती थी फर्स्ट राउंड में, जो जो मुझे आ रहा है फटाक से कर दूंगी वो वाले क्वेश्चन करती थी, मैथ्स के, रीजनिंग के, कंप्यूटर के, इंग्लिश के। उसके बाद फिर से सेकंड राउंड में करती थी जो मैं कर सकती हूँ, थोड़ा सोचने पे या थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है वैसे सेकंड राउंड में। और थर्ड राउंड में सिर्फ मैं मैथ्स के क्वेश्चंस करती थी। तो इस तरह से मेरा स्कोर इम्प्रूव होना शुरू हुआ टेस्ट में। शुरू में मेरे भी अच्छे नहीं आते थे एंड मैं काफी डिमोटिवेट हो जाती थी जब मैं देखती थी कि ऑल ओके थोड़े ज्यादा आ रहे हैं मेरे से, पर धीरे धीरे मेरा स्कोर बढ़ा। तो ऐसे नहीं सिर्फ टेस्ट करोगे तो स्कोर बढ़ेगा, उसका एनालिसिस करो सही तरीके से। और ये तीन राउंड वाला जरूरी करना, इससे आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। अच्छे से एनालाइज करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे ही आपको पता चलेगा ना कि आप कहाँ लैक कर रहे हो, कौन से तरह के क्वेश्चन में। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करो, ऐसा नहीं है कि उससे रिपीट हो ही जाएंगे, क्योंकि इसी एक दो ही शायद रिपीट हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन करने से आपको एक तरह से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन निम्सेट पूछता है। टॉपिक वाइज दो तीन बार किए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी मुझे हेल्प मिली है उस तरह से सोचने में, उस पैटर्न के क्वेश्चन को सोचने में। सो अच्छे से एनालाइज करो, इट विल डेफिनेटली बूस्ट अप योर मार्क्स एंड कॉन्फिडेंस एज वेल। मेरे हिसाब से जो आपने स्ट्रेटजीज बताई वो कंसिस्टेंसी रही, एग्जाम देना रेगुलर, चाहे जैसे भी नंबर आए आपके, लेकिन आप असाइनमेंट्स जो सर हमेशा हम लोगों को बोलते रहते हैं, मैम भी बोलती रहती हैं कि असाइनमेंट्स और टेस्ट आप देते रहो, आप नंबर के उस पर मत दो, आप टेस्ट असाइनमेंट जरूर दो। तो आई थिंक आप भी हमें यही सजेस्ट करेंगी, कंसिस्टेंट रहो और टेस्ट असाइनमेंट दो, और प्रीवियस ईयर एक तरीके से अपने आप को सेल्फ इवेल्युएशन के लिए रखो कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ उसके लिए। टेस्ट तो जरूरी दो और रिवीजन और प्रैक्टिस करना तो इम्पोर्टेंट है। अगर लेकिन मेरे हिसाब से अगर अभी कोई बंदा मारुला क्लास का सब्सक्रिप्शन लेता है तो अभी उसके पास इतना एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम रहेगा, क्योंकि मारुला क्लास में दो से तीन बार से भी ज्यादा हम लोग पूरा सिलेबस रिवाइज करते हैं। आई थिंक अभी अगर वो सब्सक्रिप्शन लेगा तो उसे बुक्स, अगर उसकी मैथ वीक भी है तो अगर वो प्रैक्टिस करेगा तो बुक्स की जरूरत उसे उतनी खास नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। प्रोड्यूस है हाँ, मैं भी ये चीज बताना चाह रही थी कि मैंने अराउंड ज्वाइन किया था तब भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इतने टाइम करा दिए थे कि, जैसे कि ट्रिगो, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वेक्टर्स, ये सब सर इतने कम टाइम में बहुत बार रिपीट सर ने कराया था। तो हाँ, मुझे इसका भी बेनिफिट हुआ, खुद से रिवाइज करती थी और सर भी रिविजन करा देते थे। हाँ, तो अगर आप मैथ्स में बहुत ज्यादा तो अलग से बुक पर कर लो, नहीं तो मैंने तो बताया है कि मैंने काफी टाइम में सिर्फ मारुला क्लासेस के असाइनमेंट टेस्ट वगैरह से ही किया है। सो सिंपल, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं सो आप बस सब्सक्रिप्शन में जो भी चीजें आपको मिल रही हैं, जो भी वीडियोस आपको मिल रही हैं, जो भी जितना भी मटेरियल आपको मिल रहा है, आप बस उसको अच्छे से फॉलो करें
बाकी आप अपने आप ग्रो करेंगे आप अगर अच्छे से ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो। अब हम लोग आते हैं कि सबके ना मैं मेरे जितने भी सीनियर्स हैं कॉलेज में या जितने भी मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने निमसेट दिया था, अच्छी रैंक आई जिनकी, आपसे आप जितनी रैंक आई जिन लोगों की, उन लोगों का ना अपना एक रिविजन करने का तरीका होता है, अलग रिविजन करने का तरीका होता है, वो उनके लिए वर्कआउट करता है। तो कोई आपका कोई ऐसा रिवाइज करने का तरीका है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी एक एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की वजह सिर्फ रिवीजन बहुत बड़ा प्ले करता है रोल। रिवीजन आप कितनी बार करते हो, मल्टीपल रिवीजन से आपको आगे बढ़ाता है, तो व्हाट इज योर रिवीजन प्लान, आप रिवाइज कैसे करते हो? मैंने बताया ना कि जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं पढ़ रही थी तो जो या फिर टेस्ट देती थी तो जो भी क्वेश्चन मुझसे नहीं बनते थे वो मैं कर देती थी। और जैसे सैटरडे संडे थोड़ा टाइम मिलता था ज्यादा तो मैं डेली रिविजन करती थी, मैं वीकली रिवाइज करती थी शुरू में, जो भी मैंने पूरे पढ़ा था वो मैं रिवाइज करती थी, टिक क्वेश्चंस, बाकी जो बन गए वो तो बन गया तो सिर्फ टिक वंस मैं रिवाइज कर लिया करती थी। और फिर जब मेरा 80-90% सिलेबस कंप्लीट हो गया था मई जून के अराउंड, तो उसके बाद मैंने शुरू से फिर से रिवाइज करना शुरू किया, मतलब पूरे सिलेबस का। ऐसे मैं वीकली रिवाइज, और जब एक बार हो गया सिलेबस 80-90%, 100% तो आप नहीं कर सकते हो, अगर आप बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो तो कर सकते हो। वो टिक्ड क्वेश्चंस आपके लेक्चर के हो सकते हैं, बुक के हो सकते हैं, टेस्ट के हो सकते हैं, ऐसे ही मैंने रिविजन किया। आई थिंक जितने भी हम लोग आपके जूनियर्स हैं, हम लोग एक चीज में बहुत ज्यादा लैग करते हैं, वो है कंसिस्टेंट मोटिवेशन अपने अंदर रखने में। हम लोग कंसिस्टेंट मोटिवेशन नहीं रख पाते हैं। हम लोग सर भी बहुत बार क्लासेस में बोलते हैं कि एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक तुम लोग क्लास लोगे उसके बाद छोड़ दोगे, वो भी फायदा नहीं रहेगा। सो आपने अपनी मोटिवेशन कंसिस्टेंट, ऑब्वियसली आपने भी लूज करी होगी मोटिवेशन बीच बीच में, आपको भी लगा होगा, लेकिन वो कंसिस्टेंट कैसे रहा आपका, कि आपने वो कैरी करके कैसे आप अंत तक लाई? क्योंकि व्हाट आई बिलीव, अगर हम लोग कैरी करके एंड तक मोटिवेशन लेके जाएंगे तो नंबर तो अच्छे आएंगे ही। व्हाट डू यू से? हाँ देखो, शुरू तो करते हैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से, बहुत ज्यादा मोटिवेशन वगैरह लेके कि हाँ मुझे निकालना ही है, पर धीरे धीरे जो है सो मोटिवेशन हो जाता है, सबके लाइफ में ऐसा फेज आता है कि डिमोटिवेटेड हो जाते हो आप। मेरे भी थोड़े हेल्थ इश्यूज थे तो मैं भी काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाती थी, पर फिर मैं सोचती थी कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ही करना है ना, मुझे इसे ओवरकम करना है, ये सब मैं सोचती थी। फिर मेरी मम्मी भी समझाती थी मुझे, तो इन सब से मेरा डिमोटिवेशन चला जाता था। मेरी मम्मी मुझे इनकरेज करती थी, सर भी काफी ज्यादा मोटिवेट करते थे, तो इस सब से डिमोटिवेशन चला जाता था। आता तो था, बहुत बार आता था, मन करता था अब नहीं पढ़ूंगी, कभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा होता था इस वजह से, कभी हेल्थ इश्यूज के वजह से, अगर मैंने कोई शेड्यूल बनाया था इस वीक में इतना कर लूंगी वो नहीं हो पाता था तो भी डिमोटिवेशन होता था, दूसरे लोगों के रैंक मार्क्स देख के भी डिमोटिवेशन होता था। पर वही था कि मैं सोचती थी कि डिमोटिवेट होने का तो कोई फायदा है नहीं, मेरे पास टाइम भी नहीं है, जो भी करना है मुझे ही करना है, ये सब चीज सोच के बस मैं फिर से लग जाती थी। ये सारी बातें जो आप मुझे बता रहे हो, आई थिंक जो लोग वीडियो देख रहे हैं और मैं स्पेशली, हम लोग रोज फील करते हैं जब दूसरे के मार्क्स ज्यादा आते हैं तो हम लोग लगता है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी ऐसा हो रहा है, या जब क्लास नहीं ले पाते और एक दिन में एक क्लास भी छूट जाती है ना तो फिर लगता है यार आज का दिन का कोई फायदा नहीं रहा हमारे लिए, क्लास छूट चुकी है हम लोगों की। सो व्हाट, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कोई लाइव क्लास आपकी छूट गई? ये बच्चों की आपस में बहुत इश्यू रहते हैं कि लाइव क्लासेस छूट गई तो आप रिकॉर्डेड देख के आप अपना काम चला लेते थे या वो आपकी लाइव छूट जाती थी? तो हाँ मैं रिकॉर्डेड ही देखा करती थी। ओके ओके ओके, हम लोगों ने मोटिवेशन की बात कर ली एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक सो, किसी भी पेपर के लिए प्रिपेयर करना। आपका जो शेड्यूल रहता था, क्योंकि आपने जैसे बताया आपने फेब में से पढ़ाई चालू करी तो आप सीरियसली फेब से पढ़ाई चालू करी, सो आपने कोई टाइम डिवोट कितना किया हर चीज को? आपने कोई वीकली प्लान बनाया, डेली प्लान बनाया, मंथली प्लान बनाया, आपने किस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई? डेली प्लान तो मैंने नहीं बनाया क्योंकि वो मैं पहले आती आ रही हूँ 11th 12th कॉलेज पर, कभी वो फॉलो हो नहीं पाता था,
तो मैं वीकली बनाती थी कि मुझे इस वीक में इतना जो भी है सिलेबस जो भी मैंने वीक में पढ़ाया क्लास में वो मैं रिवाइज कर लूंगी, या फिर इस वीक में हाँ वही रिवाइज कर लूंगी इस वीक में, या फिर न्यू अगर पढ़ रही होती तो वो न्यू कर लूंगी, ऐसा मेरा वीकली होता था। और वीकेंड पे रिविजन करती थी मैंने बताया ही, तो मैंने वीकली शेड्यूल ही फॉलो किया। और जब लास्ट में एग्जाम टाइम जब पास आने लगा, जब हाँ तो एग्जाम टाइम पास आने लगा जब लास्ट में, तो फिर मैंने डेली शुरू कर दिया रिवीजन की। पहले तो रिवीजन में टाइम लेती थी कि हाँ इस चैप्टर को थोड़ा ज्यादा टाइम देती हूँ, जब एग्जाम पास आने लगा तो मैंने डेली रिवीजन शुरू किया, तब जाकर कि एक दिन में मैं ये टॉपिक कर लूंगी, दूसरे दिन ये कर लूंगी, ऐसे ऐसे, तब लास्ट में मैंने टॉपिक बांट दिए। इस क्वेश्चन के साथ ही मैं क्वेश्चन ज्वाइन कर देता हूँ, आप उसके साथ बता देना आपका डेली शेड्यूल क्या रहता था जब आप क्लासेस और रिवीजन पूरा रिवीजन नहीं जब आप मेन पढ़ाई कर रही थी, तो आपका डेली शेड्यूल क्या रहता था कि आप दिन भर कैसे कैसे करते थे, मतलब पढ़ाई से कितना टाइम डिवोट करते थे ये सारी चीज। तो डेली यही होता था कि मैं क्लास करती थी, असाइनमेंट अगर उस दिन मिला होता तो असाइनमेंट करती थी, असाइनमेंट नहीं मिला होता था टेस्ट होता था तो मैं टेस्ट देती थी, और अगर रात में टाइम बचा तो मैं मतलब एनालिसिस करती थी अच्छे से टेस्ट का, और वीकेंड पे मैं उन्हें रिवाइज करती थी। तो डेली यही होता था, क्लास करना, टेस्ट या असाइनमेंट जो भी है वो देना, और अगर आपको टाइम बच जा रहा है तो अच्छे से एनालिसिस करना, यही डेली शेड्यूल होता था। वैसे डेली मेरा फॉलो हो नहीं पाता था, वो अगले दिन एक्सटेंड हो जाता था, पर मैं उस वीक में कर लेती थी ये सारी चीजें जो भी वीक में मैंने पढ़ा होता था उसका रिवीजन एनालिसिस ये सब वीक में मैं कर लेती थी, अगर एक दिन में पूरा नहीं हो पाता। सो आप वीकली गोल्स को ज्यादा करते थे कि वीक में गोल पूरा हो, डे में मुझे वीक के गोल्स पूरे करने हैं, डेज के नहीं करने, क्योंकि वो चीज पता है। वो सबका अपने अकॉर्डिंग होता है, तो मैंने बताया कि मेरे डेली शेड्यूल कभी फॉलो नहीं हो पाया आज तक, तो मैं वीकली में ही बिलीव करती थी, तो मैंने वीकली ही किया। वो अलग अलग सब पे डिपेंड करता है, कर पा रहे हो वीकली फॉलो कर पा रहे हो जो भी है, या मंथली कर पा रहे हो, वो खुद पे डिपेंड करता है। सबको अपनी अलग स्ट्रेटजी बनानी होती है अपने अकॉर्डिंग। आपने आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से, आपने पेपर दे दिया, आपके रिजल्ट भी आ चुका है, आपके हिसाब से आपको मारुला क्लासेस से बेस्ट पार्ट क्या लगा, आपको क्या लगा कि ये एक चीज जो मारुला क्लास की बेस्ट पार्ट रही हमारी? सर रिवीजन पुराने टॉपिक्स का अच्छे से कराते थे, फॉर्मूला हमेशा याद कराते थे, हमेशा रिवाइज कराते थे, तो काफी सारे क्वेश्चंस होते फॉर्मूला बेस्ड भी होते हैं, तो वो फॉर्मूला सर का कराना भी काफी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। और टेस्ट वगैरह डेली होता था तो वो भी मेरे रैंक आने में हेल्पफुल रहा, और सर के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता था, हमेशा मोटिवेट करते रहते थे सर, तो मुझे ये सारी चीजें अच्छी लगती थी। व्हाट आई थिंक आपके और मेरे एग्जाम टाइम्स में, जब आपका एग्जाम अभी हुआ और मेरा एग्जाम जब हुआ, आपको एक वो कोरोना वाली चीज से एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही, क्योंकि आपको डेट्स में बहुत इश्यूज हुए कि पता नहीं कब एग्जाम होगा, डेट बढ़ती जा रही है, लेकिन एज इन जो 22 वाला बैच है जो एग्जाम देगा उसके लिए एक प्रॉब्लम है कि उसके कॉलेजेस खुल जाएंगे, सो व्हाट दैट वो क्या करें ऐसा जिससे उनके रिवीजन या पढ़ाई पीछे ना हटे कॉलेज खुलने के बाद? कॉलेज में तो सबको पता है कि कोई पढ़ते हैं तो थोड़ा चलो कॉलेज के लिए, और बाकी टाइम आप निमसेट पे दो, और लास्ट टाइम में जब कॉलेज के एग्जाम पे तो ज्यादा फोकस कर देना, यही कहूंगी मैं। सो सम कॉमन मिस्टेक्स जो आपको लगती होगी आपने फॉलो करी, और अगर आपको कोई समझा देता तो आपके लिए और बेटर है, वो कॉमन मिस्टेक्स आपको क्या लगती है? हाँ वैसे एग्जाम में ये हुआ मेरे साथ कि जो रॉन्ग वाले क्वेश्चन थे वो मैं करने बैठ गई थी, और मुझे तो पता था कि हाँ ये होने वाला है, तो मैंने कर दिया। फिर मैंने सोचा नहीं है कि किसी और तरह के क्वेश्चन है, मैं इसे इजी समझ के ये टिक कर दे रही हूँ, तो उस पर मैंने थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दिया। तो मैं बस यही बोलूंगी कि आप जो जो क्वेश्चन को लेकर कॉन्फिडेंट हो वो सॉल्व करते जाओ,
और किसी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ज्यादा से ज्यादा आप एक मिनट करो, 40 सेकंड्स करो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है क्वेश्चन को लेके, तो मैं एग्जाम में मैं वही कर रही थी, सेट वाले क्वेश्चन भी जो आया था एक, वो जेई का रिपीटेड क्वेश्चन था, सेट का भी रिपीटेड क्वेश्चन था, फिर मुझे लग रहा था कि कहीं अलग तो नहीं है, सेम क्वेश्चन आया, थोड़ा सा वो मिसप्रिंट था, तो उस पर मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट किया था। तो ये मत करो, आप चाहे ऐसे टेस्ट दे रहे हो या एग्जाम में जाके डायरेक्ट दे रहे हो, आप ये चीज बस मत करो कि जो आप जो फ्लो क्वेश्चन बनाते जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन है वो छोड़ दो, आप सेकेंड राउंड में भी मत देखो उसको, थर्ड राउंड में आके देखो, टाइम बच रहा है तो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम मिलता नहीं है पर क्वेश्चन के लिए, तो बस कहीं पे जाके अटकना नहीं है, अटको तो सीधे आगे बढ़ो। तो ये मुझे अपना लगा कि मैंने ये मिस्टेक किया था एग्जाम में जाके एक्चुअली। ये जो आपने मिस्टेक बताई, ये आई थिंक जब पेपर चल रहा हो उस टाइम की मिस्टेक है, एक हमको वो भी मिस्टेक पता चल गई, बट आई वॉन्ट अ मिस्टेक जो जब लोग प्रिपरेशन करते समय बहुत कॉमन रही होगी, जैसे आपने शुरू में बताया था कि मैं बुक्स को लेके बहुत कंफ्यूज रही, वैसा कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे आप लगता है कि यार ये मैं करती थी लेकिन ये मुझे कोई बता देता तो मेरा बहुत समय बच जाता, कुछ ऐसा? यही चीज थी, मैं शुरू में अटक जाती थी कोई क्वेश्चन, मुझे पता था कि ये टॉपिक मैंने अच्छे से पढ़ा है और वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था, तो मैं उस पर जाके अटक जाती थी कि मुझे ये सॉल्व करना ही है, ऐसा सर ने भी समझाया था नहीं करना है, पर मैं फिर भी वो करती थी कि मुझे इसे बनाना ही है, तो ये गलती मैंने की थी, पर वो मैंने एग्जाम टाइम तक सही कर ली थी, पर एग्जाम में जाके फिर मैंने वही किया, तो ये मिस्टेक मैं बता रही हूँ। और बुक्स को लेके वही कंफ्यूज थी, फिर बाद में मैंने सोचा टाइम तो ज्यादा है नहीं, तो जो भी आप पहले डिसाइड कर लो कि कौन सा कोचिंग करना है, कौन सा मटेरियल फॉलो करना है, कौन सा बुक करना है, शेड्यूल सब कुछ, आप इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, शुरू में सब कुछ डिसाइड कर लो, उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो, बस यही बोलूंगी। नेगेटिव मार्किंग और नेगेटिव क्वेश्चंस मत करो ज्यादा शुरू में, ये भी था मेरा दिक्कत कि शुरू का बता रही हूँ कि शुरू में नेगेटिव ज्यादा कर देती थी, तो आप इतना भी हड़बड़ी में मत करो कि नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखो क्योंकि मैथ्स में काफी ज्यादा नेगेटिव मार्क्स कटता है, तो कॉन्फिडेंट हो तभी वो क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं भी शुरू शुरू में जब टेस्ट देता था तो ऐसे लेके बैठता था कि आज सारे क्वेश्चन करने नहीं आते हैं फिर भी करूंगा, लेकिन सारे क्वेश्चन करूंगा। आई थिंक ये चीज भी मुझे बाद में समझ आई कि ऐसा नहीं है, अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, कोई दूसरे क्वेश्चन में टाइम लगाओ, आप यहाँ पे टाइम बचाओगे, आपको आगे यूज करने को मिलेगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं है, वो करना ही करना है पूरा पेपर। हाँ, तो पूरा पेपर तो टॉपर के भी नहीं हुए, तो पूरा पेपर करने के चक्कर में मत रहो, पहले जो आ रहे करते जाओ, सेकंड में जो थोड़े से सोचने के बाद बन रहा है वो करो, और थर्ड में जो ज्यादा टाइम टेकिंग है, जो जिसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया है, तब उस पे आओ, थर्ड राउंड में आप वो देखो, क्योंकि आप एक बार में पूरा पेपर तो देख नहीं सकते हो ना, एक एक करके आप आगे बढ़ते जाना है, देखते जाना है, पूरा पेपर स्कैन करना है। आई थिंक ये आपका ये जो ये चीज है, ये अगर सारे बच्चे अपने मारुला वाले टेस्ट में भी यूज करेंगे तो उनके लिए बहुत टाइम बच जाएगा, पहली बार में सारे क्वेश्चन वो कर लो जो एक नजर पे सॉल्व हो रहे हैं, और फिर वो कर लो जिनमें आप थोड़ा बहुत पेन इस्तेमाल कर रहे हो, और आखिरी में वो करो जिनमें आपको अच्छे से सॉल्व करना है ना। हाँ, मतलब आइडिया नहीं उस क्वेश्चन के बारे में, तो मतलब टाइम वेस्ट करने वाले क्वेश्चन आप एकदम लास्ट के लिए रखो, अगर टाइम बच जाता है तो। अब हम लोग एक बार ना लास्ट में सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्या क्या करना चाहिए हम लोगों को। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, सो वॉट इज योर सजेशंस फॉर मी फॉर द बैच ऑफ 2022 कि मैथमेटिक्स के लिए वो क्या करें? मैथमेटिक्स के लिए अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, प्रैक्टिस करो काफी सारे क्वेश्चन और अप्लाई करो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पे, और अगर आप नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो तो कोई एक बुक लो प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे से, डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव मत स्टार्ट करो, पहले कोई बेस बुक स्टार्ट करो, एनसीईआरटी ले सकते हो, और 12th में हम लोग ने पढ़ी थी आरएस अग्रवाल, वो ले सकते हो, उससे पहले कॉन्सेप्ट बनाओ, और बाद में फिर कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखो, ऑब्जेक्टिव बुक लेके लाइक अरिहंत और आरटी शर्मा ऑब्जेक्टिव वगैरह, ये नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वालों के लिए, और बाकी टेस्ट तो देते रहो, मैथ्स के लिए यही है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे। आपने जो बेसिक मैथमेटिक्स के लिए जो बुक बताई कि स्टार्ट करने के लिए नॉन मैथ्स बच्चों के लिए, वो कौन सी क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट करें नॉन मैथ वाले बच्चे?
अलेवन ट्वेल्थ एनसीईआरटी या आरएस अग्रवाल ले लो आप, अलेवन ट्वेल्थ वाली फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट्स, या आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो आदित्य शर्मा की सब्जेक्टिव बुक ले लो, अगर आप बहुत काफी पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो, क्योंकि पहले आपको कॉन्सेप्ट बनाना होगा, बाद में उन्हें अप्लाई करना सीखना होगा ना. So they will start with NCERT, then they will go on RD Sharma objective. उसके बाद उनके सारे क्वेश्चन निकलने लगेंगे अपने. हाँ, और साथ में टेस्ट्स देते चलो शुरू से ही. हाँ, टेस्ट इज कंपलसरी, टेस्ट तो देना ही है. हाँ, शुरू से ही देते चलो, क्योंकि तभी आपको किसमें कर रहे हो किसमें नहीं कर रहे हो, शुरू से ही देते चलो. ये नहीं कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब देना, शुरू से ही देते चलो. ओके, आई थिंक बहुत सारे 2022 के बैच वाले बच्चे ये चीज करते होंगे कि जब एग्जाम नजदीक आएगा तब हम लोग टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो उतना ज्यादा अच्छे से नहीं आता है. लेकिन मेरे हिसाब से जब हम लोग भी टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में कैटेगरी वाइज टेस्ट होता है. अगर शुरू में टेस्ट मिल रहा है किसी टॉपिक के, तो वो शुरू के ही टॉपिक्स पे डिपेंडेंट रह रहा है टेस्ट, तो सबको देने चाहिए. टॉपिक वाइज देते चलो तो आपके वो टॉपिक क्लियर होते जाएंगे, फिर फुल लेंथ दोगे तो आपका एग्जाम का पूरा पैटर्न फॉलो हो जाएगा. हम लोगों ने मैथमेटिक्स की बात कर ली, अब आते हैं रीजनिंग के ऊपर, एनालिटिकल एबिलिटीज के ऊपर. तो आपने जैसे बताया कि आपने बहुत कम, आई थिंक एनालिटिकल एबिलिटीज में आपने बुक्स ही फॉलो नहीं करी, आपने सर का सिर्फ मटेरियल फॉलो किया. सो आप क्या सजेस्ट करती हो, अगर अभी कोई करना चाहे तो वो बुक्स फॉलो कर ले या सर के मटेरियल पे डिपेंडेंट रहे, उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे उसमें? सबसे पहले तो आप सर का मटेरियल और प्रीवियस क्वेश्चंस कर लो, अगर इतने में आपके टेस्ट पे अच्छा मार्क्स आ जा रहा है, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आप कर ले रहे हो, पजल्स कर ले रहे हो, रीजनिंग क्वांट्स के जो भी क्वेश्चन है वो कर ले रहे हो, तब तो सही है. और अगर आप नहीं कर पा रहे हो फिर भी लैक कर रहे हो, तब आप बुक ले सकते हो. क्वांट्स के लिए आर एस अग्रवाल की जो क्वांट वाली बुक आती है वो ले लो, रीजनिंग के लिए बी एस सिज वाली मैंने सुना है वो ले लो. अगर आप ये सब करने के बाद भी अगर आप लैक कर रहे हो, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, पजल सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तब कोई बुक रेफर कर सकते हैं. हाँ, बी एस सिजवाली रीजनिंग के लिए और आर एस अग्रवाल क्वांट्स की जो है वो एप्टीट्यूड वगैरह के लिए. बस इस बार डीए के क्वेश्चन आ गए थे, ग्राफ वगैरह आ गए थे जो की नहीं आ रहे थे, तो आप ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लो. इस बार ही वो आए थे, कुछ ऐसे नहीं आ रहे थे, वो अराउंड 2008-09 में ही आए थे शायद. हाँ, तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी अच्छे से, बार ग्राफ वगैरह. सो जैसा आपने बताया था कि आपने कंप्यूटर और इंग्लिश भी आपने जो टेस्ट में मिल रहा था आप उसी बेसिस पे थे. अगर किसी की इंग्लिश बहुत वीक है, सो व्हाट डू यू सजेस्ट, कि वो टेस्ट पे ही डिपेंडेंट रहे या इंग्लिश के लिए कुछ करे? क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लासेस ले रहे हैं हम लोगों की, जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है पेपर लेवल पे, तो उसके लिए क्या करें वो लोग? इंग्लिश तो ज्यादा मार्क्स का होता नहीं है, तो उस पे आप ज्यादा ध्यान दो मत. हाँ, अगर आपका मैथ्स कंप्लीट है, रीजनिंग वाला पार्ट कंप्लीट है, कंप्यूटर कंप्लीट है, तब आप इंग्लिश का देख सकते हो. वैसे सर ने इंग्लिश असाइनमेंट दिए थे और क्लासेस भी करवाए थे लास्ट टाइम पे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह के, तो आप सर का ही क्लास फॉलो करो, असाइनमेंट फॉलो करो. और पैसेज के लिए अगर आप चाहो तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हो, ताकि आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन अच्छा हो सके. बाकी तो एग्जाम में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिसका इंग्लिश अच्छा है उसके भी सारे क्वेश्चंस बन ही जाए इंग्लिश के, उस पर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो. मैंने खुद ही अराउंड 8 क्वेश्चंस किए थे इंग्लिश में, पैसेज वाले किए थे एंड वर्ड फिल करना था, सुटेबल वर्ड वो वाले किए थे. सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले तो मैंने नहीं किए थे, एक दो किए थे शायद. तो इंग्लिश पे ज्यादा डिपेंडेंट मत रहो, फिर भी ज्यादा टाइम बच जा रहा है तो आप पैसेज के लिए अपना रीडिंग कम्प्रिहेंशन सही करो, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के, यही है. मतलब जो मेन फोकस रखे हम लोग वो अपने मैथ्स, हाँ. फिर उसके बाद एनालिटिकल एबिलिटीज, उसके बाद कंप्यूटर, अगर टाइम बचता है तो इंग्लिश. हाँ, इंग्लिश क्योंकि काफी कम मार्क्स का होता है, तो इंग्लिश पे उतना ज्यादा डिपेंडेंट रहने का जरूरत नहीं है. मैथ्स में ये है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस की हो तो न्यू तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे तो आपसे सॉल्व हो जाएंगे, पर इंग्लिश का कुछ गारंटी नहीं ले सकते कि आपको उस वर्ड का मीनिंग पता ही हो, या जैसे कि इस बार थोड़ा लेंदी पैसेज था तो उतना पैसेज पढ़ने आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, तो इंग्लिश पे ज्यादा डिपेंडेंट मत रहो बस. और हम लोगों ने मैथ्स के लिए बुक्स की भी बात कर ली,
तो मैथ्स के लिए अगर बुक्स हो तो जो प्रोसेस है, अगर किसी को वो प्रोसेस समझ नहीं आया हो, सो जो जितना प्रोसेस मेरे को समझ आया वो है कि हम लोग 11 12th की एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, फिर अगर हमें और आगे बढ़ना है तो आरएस अग्रवाल जाएंगे, वरना 11 12th की एनसीईआरटी कर लो और फिर सर का जो भी चीजें हैं, वैसे भी सर बेसिक से ही मारुला क्लास में हमेशा हम लोगों का एक मैंने तो बताया, मैंने पीएनसी का प्लेलिस्ट देखा था तो वो काफी बेसिक से हाई लेवल वाले क्वेश्चंस पे गए थे, मेरा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था पीएनसी, सर भी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इवन मैं भी 11 12th मैथ बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि सर ने दो तीन चीजों के रीजंस बताए थे कि ये ऐसे ऐसे क्यों होते हैं, एंड मेरे को वो रीजन अभी तक पता नहीं चल पाए थे कि ये चीज ऐसे इसलिए होती है। सो यस, आपको मारुला क्लास में देखने को मिलेगा, आपको हर क्लास में, हम लोग अभी बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं, लेकिन अभी भी नए बैचेस स्टार्ट हैं, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं सो आप ले सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू यू निशिता, मारुला क्लास ने आपको किस तरीके से हेल्प करा, अगर आपको क्या लगता है कि सेल्फ स्टडी से क्या आपको बहुत अच्छा कोई बेनिफिट रहा मारुला क्लास में? सेल्फ स्टडी में डिसिप्लिन नहीं आ पाती है एक तरीके से, तो मारुला क्लास मैंने फॉलो किया तो एक तरह से डेली क्लास करना है, टेस्ट देना है, असाइनमेंट देना है, तो एक डिसिप्लिनड वे में पढ़ाई हुई मेरी मारुला क्लासेस के थ्रू, और सर काफी इजी वे में समझाते हैं, और हाँ एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा तो सर उसे बार बार समझाते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर का। और फॉर्मूला रिवाइज हमेशा करवाते थे, ये तो मैंने बताया ही, तो फॉर्मूला अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, इवन बहुत सारे क्वेश्चंस जब हम लोग भी करते हैं सो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे निकल जाते हैं कि जो लग रहे होते हैं यार ये तो पहले लगते थे कि मुश्किल है, लेकिन अब इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हो जाएगा। बहुत सारे आपके हिसाब से मारुला क्लास में वो आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, बहुत सारी एमसीए प्रिपरेशन की जगह देखी होंगी क्योंकि सारे बच्चे ढूंढते हैं, आपको मारुला क्लासेस में वो यूनिकनेस क्या दिखती है, कि वो यूनिकनेस क्या है जो मारुला क्लास को थोड़ा अलग बनाती है एमसीए प्रिपरेशन? सर के पढ़ाने का तरीका मुझे काफी अच्छा लगता है क्योंकि वो बेसिक से पढ़ाते हैं और एडवांस्ड क्वेश्चंस पे जाते हैं, फिर कोई भी अगर सर से पूछता है तो सर उसे दो बार तीन बार बताते हैं, जितने बार में भी उनसे समझना है तो बार बार सर रिपीट करते हैं और रिविजन कराते हैं, मतलब इतने कम टाइम में उन्होंने कुछ कुछ टॉपिक का दो से तीन बार रिवाइज करा दिया, मुझे ये भी काफी अच्छा लगा, और मोटिवेशन भी काफी ज्यादा सर देते हैं, मुझे ये सारी चीज मारुला क्लासेस की अच्छी लगी। आपके हिसाब से व्हाट इज द एडवाइस जो आप एक 2022 या 2023 वाले बैच के स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, कि ये आपकी पर्सनल एडवाइस है कि ये चीज कर लो मैथ्स, जैसे मेरे को जो लगता है कि आप मुझे एडवाइस दोगे कि आकाश तू मैथ्स पे ध्यान दे ले, क्योंकि मेरे को पता है मेरी थोड़ी सी यू नो एवरेज है, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे, तो व्हाट इज योर एडवाइस टू एवरीवन 2022 बैच 2023 बैच? सिर्फ मैथ्स के लिए? नहीं, एवरी फॉर द एग्जाम, NIMCET एग्जाम, एग्जाम के लिए। हाँ देखो, मैंने भी जब ये एग्जाम के बारे में जाना और प्रिपेयर करना शुरू किया तो मुझे भी कुछ भी आइडिया नहीं था, धीरे धीरे मैंने देखा सिलेबस क्या है क्या नहीं है, क्लासेस कौन कौन से हैं, तो पहले अच्छे से जान लो कि क्या सिलेबस है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और फिर जो भी सर बोलते हैं उसे फॉलो करो अच्छे से, और बिलीव इन योरसेल्फ कि हाँ यू कैन डू इट, देन डेफिनेटली यू विल डू इट। कॉन्फिडेंस रखना खुद में काफी ज्यादा जरूरी है, डिमोटिवेट ज्यादा मत हो, और प्रैक्टिस करते रहो, टेस्ट देते रहो, अच्छे से एनालिसिस करते रहो, और कंसिस्टेंट रहो एग्जाम जब तक ना हो जाए तब तक। हम लोग अब सेशन की एंड की तरफ है और सेशन हम लोग यहाँ से एंड की तरफ आगे बढ़ेंगे, उससे पहले जितनी भी चीजें रही हम लोगों की इस सेशन में, मेरे हिसाब से हम लोग एक छोटा सा सम अप कर देते हैं लोगों के लिए, जिन लोगों को कुछ कुछ चीजें समझ ना आई हो। हम लोगों को मैथ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, इसके बाद आप कुछ चीजें सम अप कर दो लोगों के लिए, कि ये एक समरी है पूरे सेशन की, आप इतना समझ गए तो आपके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने की, आपको बस अब तैयारी शुरू करनी है, जहां जहां दिक्कत आएगी वो ये समरी सॉल्व कर देगी, ऐसा कुछ। ओके, तो सबसे पहले तो आप
को मैंने बताया है कि सबसे पहले सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो किस पैटर्न पे है, क्या क्या सिलेबस है। एक बार आप जान गए कि किस तरह से क्या क्या करना है, तो आप कोचिंग लो। सेल्फ स्टडी अगर आप कर सकते हो अच्छे से, डिसिप्लिन ट्रैक है तो वो भी सही है, लेकिन अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो ज्वाइन कर लो। उसके बाद जो भी सर बताते हैं वो फॉलो करो, वो लेक्चर्स देखो, क्वेश्चंस करो, टेस्ट दो, असाइनमेंट करो, अच्छे से एनालिसिस करो उसका, कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, वीकनेसेस जो भी है वर्क ऑन इट और उसे दूर करो, और टेस्ट रेगुलर बेसिस पे देते रहो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट देना और रिवीजन करना तो खैर है ही, ये आप चारों चीज के लिए फॉलो करो, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए नहीं सॉरी, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए और कंप्यूटर के लिए, ये तीनों चीज फॉलो करो हो जाएगा। और सबसे ज्यादा ध्यान आपको मैथ्स पे देना है, मैथ्स पे आप बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, खुद ही सब कुछ क्लियर होने लगे, खुद ही क्वेश्चंस बनने लगेंगे, जस्ट ट्रस्ट मी। एक बार आप शुरू करो मैथ्स और धीरे धीरे बेसिक लेवल के क्वेश्चन बनाओ, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे जाओ, खुद से ही बनने लगेंगे मैथ्स। और रीजनिंग में भी वही है कि एक बार आप 10-15 पजल कर लेते हो, खुद ही पजल सॉल्व होने लगेंगे। सो आई थिंक ये सेशन को एंड करते हैं। आई थिंक सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम दोनों ने आप लोगों तक पहुंचाई होंगी। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन, और अगर अच्छा लगा हो तो इस सेशन को आप लाइक कर दें, और निशिता के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बहुत विश करें। आगे उन लोगों उनका एक ब्राइट फ्यूचर चालू होने वाला है, और हम लोगों के भी एग्जाम्स आने वाले हैं। सो ऐसे इंटरव्यूज आगे आते रहेंगे। आप लोगों को अगर ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो सो नीचे कमेंट सेक्शन पर बताएं सारी बातें। सो इसी के साथ खत्म करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।